गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे। वाईफाई स्टडी यूजीसी नेट हिंदी के इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं रोहित चौधरी आप सबका वेलकम करता हूं। दोस्तों, यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे जितने भी वीडियोज हैं उनको लाइक और शेयर कर दें, ताकि आप जब इसको सब्सक्राइब करोगे तो बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको हमारे जो नोटिफिकेशंस हैं वो तुरंत प्रभाव से मिल जाएंगे। तो पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी यूजीसी नेट हिंदी पर। बात करें मित्रों अनअकैडमी की, तो अनअकैडमी पर भी आप लोगों को मेरी प्रोफाइल फॉलो कर लेनी चाहिए अगर आप लोगों ने अभी तक उसको फॉलो नहीं किया है। तो बहुत ज्यादा बेनिफिट हिस्ट्री आपको सेकेंड पेपर अनअकैडमी प्लस पर पढ़ाता हूं मैं, तो आप लोग अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं मेरा रेफरल कोड रोहित सर 10 यूज करते हुए। इससे आपको फीस में 10% डिस्काउंट तो मिलेगा ही, और साथ ही आपको पेपर वन की तैयारी कंप्लीटली मेरे साथ करने का मौका भी मिलने वाला है। तो आप सबके लिए एक बार पुनः दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबके परिवार में ये दीपावली खुशियां लेकर के आए, ऐसी मैं ईश्वर से दुआ करता हूँ। विश यू हैप्पी दिवाली टू यू एंड योर फैमिली। और आई होप गाइज आप लोग सब बहुत अच्छे से ये दिवाली सेलिब्रेट कर रहे होंगे या करेंगे। जब भी ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आप सबको त्योहारों के इस महीने में मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आप सबको कामयाब बनाए, आप सब बहुत जल्दी अपने सपनों को पूरा करें, धन धान समृद्धि आपके घर में वास करे, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। तो बहुत बहुत पुनः हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी के लिए। चलेगा मित्रों, आगे बात करते हैं। देखिएगा अनअकैडमी पर मैंने मेरा एक बैच कोड स्टार्ट किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं माय मिशन ज़ियारत 2021 के नाम से, जिसमें मैं पेपर वन के पूरे कंप्लीट 10 यूनिट्स आपको पढ़ा रहा हूँ, जिसमें नोट्स पीडीएफ एमसीक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब आपको करवाए जाएंगे, साथ ही हिस्ट्री सेकेंड पेपर भी आपको पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग इस नाम से मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर लें जाकर के, और आप लोग मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं मेरा बैच कोड रोहित सर 10 लगाते हुए, मेरा बैच माय मिशन जेआरएफ 2021। चलिएगा बात कर रहे हैं काल निर्धारण को लेकर के। तो काल निर्धारण वाला एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता में पिछले दो वीडियोस में समझा दिया है, और आज के इस वीडियोस में मैं कुछ लेके आया हूं आपके लिए काल निर्धारण संबंधी जो प्रमुख मत दिए गए थे कुछ विद्वानों ने, उनमें से आप लोगों को याद रखने हैं। आपको इनमें से जो सर्वाधिक याद रखने योग्य जो फैक्ट हैं, एक तो इसको याद रख लेना, आपसे पूछा जा सकता है कि जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि क्या निर्धारित की थी, और इसके अलावा इसको याद रख लेना, ठीक है, डीपी अग्रवाल या सी कार्बन 14 के जरिए, सी 14 के जरिए कितनी इसकी तिथि मानी जाती है 2300 से 1750, और वास्तविकता में जो अपन इसको एक्यूरेट मानते हैं तो वो लगभग लगभग जो है इसी जगह पर इसको 2500 लेकर से लेकर के 1750 तक भी माना हुआ है। तो ये सारा एक कॉन्सेप्ट था, आई थिंक इसका जो मैटर है वो आप लोगों के समझ में आ गया होगा। देखिएगा दोस्तों, बात करते हैं अपन आगे चल के सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार की। तो इस सभ्यता के विस्तार को अगर अपन देखते हैं कि इसका विस्तार कहाँ तक है, तो बहुत बृहद स्तर पर इसका विस्तार आप लोगों को दिखाई देता है। अब तक यानी कि सभ्यता के टोटल लगभग लगभग 1500 से ज्यादा स्थल खोजे जा चुके हैं। ये तीन देशों में विस्तारित है, जो मैं आपको बता चुका हूं स्टार्टिंग में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में। तो पाकिस्तान, हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, तीन देशों में लगभग 1500 से ज्यादा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के खोजे जा चुके हैं, और ये सभ्यता तीन देशों में विस्तृत है। अगर हम बात करें कि अफगानिस्तान में जो क्षेत्र हैं सौर्दगोई और मुंडीगा, ये सिंधु सभ्यता के विस्तार क्षेत्र में नहीं आते हैं, ये एक तरीके से बॉर्डर पर स्थित सीमांत चौकियां हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? सीमांत चौकियां हुआ करती थी। पाक एवं भारत केवल जो है सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार क्षेत्र में हम लोगों ने काउंट किए हैं, केवल पाकिस्तान और भारत को। तो अफगानिस्तान के सूर्दगोई और मुंडीकाक जो है वो सिंधु सभ्यता के विस्तार क्षेत्र में नहीं आते हैं। वैसे आप अगर इसका विस्तार देखते हो तो ये तीन देशों में आपको दिखाई दे जाता है।
लेकिन ये इनके विस्तार क्षेत्र में नहीं आते। वर्तमान में सिंधु सभ्यता का विस्तार क्षेत्र लगभग लगभग 1,60,000 ठीक है सॉरी 16 लाख वर्ग किलोमीटर मान लिया गया है। वर्तमान में सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार क्षेत्रफल है वो 16 लाख वर्ग किलोमीटर मान लिया गया है। आप एनसीईआरटी की किताब पढ़ोगे तो एनसीईआरटी में ये फैक्ट आपको 13 लाख किलोमीटर के लिए मिलेगा, लेकिन वो अपडेट नहीं है। नया अपडेट जब आएगा, हाल ही में 2005 के आसपास जो खुदाइयां हुई हैं, 2005 के बाद धोलावीरा आदि में जो खुदाइयां चली हैं, उन नई खोजों के या नई खुदाइयों के आधार पर 16 लाख वर्ग किलोमीटर लगभग जो है सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार क्षेत्र मान लिया गया है। यह पाकिस्तान और भारत दोनों ही क्षेत्रों में पड़ता है। तो जो 16 लाख का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ वो नई अपडेट के हिसाब से बता रहा हूँ, और ये 16 लाख जो वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है वो भारत और पाकिस्तान दोनों क्षेत्रों में पड़ता है। देखिएगा कुछ इस तरीके से विस्तार आपको दिखाई देता है जो है सिंधु घाटी सभ्यता का, और बहुत बेहतरीन तरीके से विस्तार आपको समझना है। अगर हम बात करें सबसे पहले यहाँ पर, तो पूर्व की साइड में यहाँ पे देखिएगा, पूर्व में ये जो स्थान है इसका विस्तार जो है वो आलमगीरपुर मेरठ, मेरठ उत्तर प्रदेश में पड़ता है, आलमगीरपुर तक फैला हुआ है पूर्वी हिस्सा इसका। अगर आपको ऑप्शन में आलमगीरपुर नहीं दिखाई देता है तो सेकंड नंबर पर हुलास जो सहारनपुर में है, हिंडन नदी के किनारे ये पड़ता है, ठीक है, ये नियर बाई है दोनों, तो आपको ये याद रखना है। आई थिंक आप हुलास सहारनपुर पहली बार पढ़ रहे होंगे, बहुत सारी चीजें नहीं मिलती हैं आप लोगों को हर जगह पढ़ने के लिए, लेकिन मैं जब भी कोई चीज पढ़ा रहा हूँ आपको तो सोचो कि यार मैं YouTube वाली क्लास में आपके लिए इतना बढ़िया मैटर करा रहा हूँ, तो एक बार भी आप लोगों ने अंदाजा लगाया कि मैं अनअकैडमी प्लस पर कितना शानदार पढ़ाता रहूंगा, है कितना शानदार पढ़ाता रहूंगा। तो एक बार आप प्रयास करो और अनअकैडमी की प्लस वाली क्लास लेने का प्रयास करो, ठीक है, प्लस वाली क्लासेस ज्वाइन करने का प्रयास करो, वो कंटेंट ही अलग रहेगा जो आप वहां पे ज्वाइन करोगे। तो यहाँ पे मैं बता रहा था आपको, पूर्वी हिस्सा जो विस्तारित है वो आलमगीरपुर मेरठ में हिंडन नदी के किनारे। अगर आलमगीरपुर ऑप्शन में नहीं है तो हुलास जो है राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पश्चिमी हिस्से की बात कर लूं तो ये सुतकांगे डोर पड़ता है, ठीक है, ये पाकिस्तान में पड़ता है और ये दास्क नदी के किनारे पड़ता है, ठीक है बच्चों। उत्तरी हिस्से की बात कर लूं तो मांडा पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर में, अखनूर जिले में, चिनाब नदी यहाँ पे पाई जाती है, उत्तरी हिस्से की बात कर रहा हूं मैं। और दक्षिणी हिस्से का विस्तार जो है इसका वो भगतराव महाराष्ट्र में जो है दैमाबाद भगतराव महाराष्ट्र में पड़ता है, और अगर ये ऑप्शन में नहीं मिलता है तो दैमाबाद जो प्रवरा नदी के किनारे स्थित है ये दक्षिणी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ से बहुत सीमित मात्रा में, एक्चुअली हुआ क्या है, यहाँ से बहुत सीमित मात्रा में कांसे के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, और कांसे के साक्ष्य प्राप्त होने के कारण कुछ विद्वानों ने इसको क्या मान लिया है, सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणतम बिंदु मान लिया है, तो ये मान सकते हैं। बाकी प्रॉपर जो है यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता का इतना बड़ा कोई साक्ष्य नहीं मिलता, लेकिन फिर भी अपन इसको मान के चलते हैं। अच्छा, इसकी बात करें तो ये पूर्व से पश्चिम तक की जो इसकी लंबाई है वो 1600 किलोमीटर पड़ती है, कितनी पड़ती है वो 1600 किलोमीटर पड़ती है, और उत्तर से जो दक्षिण तक की लंबाई है वो जो है वो 1400 किलोमीटर पड़ती है। तो ये वाली 1400 किलोमीटर लंबाई पड़ेगी, याद रखना है, और ये वाली जो है वो 1600 किलोमीटर पड़ेगी। कौन सी, यानी कि पूर्व से पश्चिम, 1600 तो ऐसे पड़ेगी और 1400 तो ऐसे पड़ेगी, ठीक है, तो 1600 और 1400। इसी के साथ में ये उत्तर और पश्चिम के बीच में, उत्तर पश्चिम दिशा में जाकर के सोर्तगोई और मुंडी घाट पड़ते हैं जो अफगानिस्तान में आते हैं। ये सीमांत चौकियां होती थी, सीमांत चौकियों का मतलब क्या होता है, बॉर्डर पर जो चौकी होती है ना वो हुआ करती थी। तो ये एक प्रकार का कॉन्सेप्ट है पूरा, आपको समझना है। और सिंधु घाटी जो सभ्यता थी प्यारे बच्चों, वो सभ्यता अपनी समकालीन सभ्यताओं में सबसे बड़ी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता अपनी समकालीन सभ्यताओं में कैसी थी, सबसे बड़ी सभ्यता हुआ करती थी। चलिएगा आगे बात करते हैं।
इस सिंधु घाटी सभ्यता में जो इसकी विशेषता थी नगर, कि ये नगरीय सभ्यता थी, तो यहाँ पर कितने प्रकार के नगर पाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके नगरों के, तो नगरों के कितने प्रकार सिंधु घाटी में किस किस टाइप के नगर हुआ करते थे, क्योंकि नगरीय सभ्यता थी तो नगर यहाँ का बहुत फेमस जो है होता था। तो नगरों की बात करें तो यहाँ पे हमें डियर स्टूडेंट चार प्रकार के नगर दिखाई देते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में चार प्रकार की बस्तियां, चार प्रकार के बसावट या चार प्रकार के नगर दिखाई देते हैं। सबसे पहले वे नगर जो राजधानी नगर या प्रमुख नगर हुआ करते थे, जैसे हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। तो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो दो राजधानी नगर थे इस पूरी सभ्यता के। यहाँ पर प्रशासनिक काम होता था, यहाँ पर व्यापारिक व धार्मिक क्रियाकलाप भी संपन्न किए जाते थे। एक बात में अगर टोटल मिलाकर हम कहें तो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो पूरी संस्कृति के, पूरी सभ्यता के प्रशासनिक, व्यापारिक और धार्मिक क्रियाकलापों का मेन केंद्र हुआ करते थे, मूल सेंटर हुआ करते थे। कौन कौन? हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। तो इनको राजधानी नगर की संज्ञा दी गई। दूसरे नंबर पे अगर अपन बात कर लें तो हमें दिखाई देता है डियर स्टूडेंट बंदरगाह नगर। बंदरगाह नगर कौन से हुआ करते थे? सुतकांगेडोर, बालाकोट, आलादीनो, ये सिंध में पड़ता है, ठीक है, लोथल, कुंतासी, ये गुजरात में पड़ते हैं। तो लोथल, आलादीनो, बालाकोट, सुतकांगेडोर, ये बंदरगाह नगर हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे प्यारे बच्चों? ये बंदरगाह नगर हुआ करते थे। तो बंदरगाह नगरों में सुतकांगेडोर, बालाकोट, आलादीनो, लोथल और ये कुंतासी मिलते हैं। उसके अलावा तीसरे प्रकार की बस्ती जो थी वो सीमांत चौकियां हुआ करती थी, जैसे सोर्दगोई अफगानिस्तान में और साहिब टुम्प बलूचिस्तान में, ये सीमांत चौकियां हुआ करती थी। और चौथा, इनकी बसावट को अगर हम गांव में बांटते हैं तो यहाँ पे जानकारी का अभाव है, क्योंकि ये एक प्रकार की नगरीय सभ्यता होती थी, ग्रामीण कल्चर की यहाँ से जानकारी नहीं प्राप्त होती है। तो ग्रामीण जो है कल्चर हमें प्राप्त नहीं होता है। ये जो है इनकी नगर नियोजन प्रणाली थी। अब इनका नियोजन कैसा था वो तो आगे पढ़ेंगे। इनके नगरों के टाइप थे, नेचर जो है उनके नगरों का क्या था उस पर हम लोगों ने डिस्कस किया। अब इस नगर नियोजन की विशेषताएं क्या थी, आइएगा इस पर बात करते हैं धीरे धीरे से। सबसे पहले इनके नगर विन्यास की पद्धति को जाल पद्धति यानी ग्रिड सिस्टम कहा गया है, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई पद्धति को जाल पद्धति कहते हैं, और इसी पद्धति को ऑक्सफोर्ड पद्धति भी कहा गया है। ठीक है, यानी कि एक्चुअली इनका सिस्टम कुछ इस तरीके से हुआ करता था, जैसे मान लो कि ये सड़कें बनी हुई हैं, ठीक है, ये सड़कें बनी हुई हैं, इस तरीके से इनकी बसावट हुआ करती थी, मतलब पूरा एक चेस की तरह हुआ करता था, एक सिस्टम हुआ करता था। तो ये मकान हो गए, ठीक है, ये अगर मकान है सब एक दूसरे, तो इन्हीं मकानों में क्या है कि ये वाली जो है ना, ये वाली रोड हो जाती थी, तो आमने सामने मकान हो गए, ठीक है। अब ये रोड थी, तो ये रोड होने के साथ में ये जो मैंने डार्क किया है ये भी रोड हुआ करते थे, ठीक है। तो ये जो डार्क कर रहा हूं ना मैं, ये रोड हुआ करते थे। अब इस तरीके से ये यहाँ पे बसावट हो गई, ये भी सड़क है। तो अब आप एक तो ये देख सकते हो कि सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, ठीक है, समकोण पर काटने के कारण ही इसको ग्रिड पद्धति कहा गया, और ग्रिड पद्धति कहने के कारण ही इसको ऑक्सफोर्ड पद्धति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑक्सफोर्ड पद्धति भी कहा जाता है। तो नगर विन्यास की पद्धति, जाल पद्धति, ग्रिड सिस्टम, यहां पे सड़कें एक दूसरे को काटा करती थी, इस कारण इसको क्या कहा? ऑक्सफोर्ड पद्धति भी कहा गया है। एक तरीके से आप टोटली शतरंज की तरह समझ सकते हो, चेस जो होता है ना शतरंज वाला, उसकी तरह इसको समझ सकते हो। नगर के भैया दो भाग हुआ करते थे, एक तो गढ़ी या दुर्ग जो ऊंचाई पर पश्चिम की ओर स्थित होता था, ठीक है, एक तो गढ़ी या दुर्ग होता था जो ऊंचाई पर पश्चिम की ओर स्थित होता था, और एक होता था निचला शहर जो पूर्व की ओर स्थित होता था। यानी कि मान के चले इस तरीके से, तो यहाँ पे तो गढ़ी या दुर्ग रहेगा और यहाँ पर निचला शहर रहेगा, सेकेंड नंबर यहाँ पे रहेगा और फर्स्ट नंबर यहाँ पे रहेगा, सेकेंड नंबर यहाँ पे रहेगा, फर्स्ट नंबर यहाँ पे रहेगा।
तो जो निचला शहर या रिहायशी क्षेत्र होता था जहाँ आम लोगों का वास होता था, कहाँ पर? नीचे शहर में, यहाँ पर आम लोगों का वास होता था। और जो गढ़ी या दुर्ग क्षेत्र होता था वहाँ विशिष्ट जनों का वास होता था या इनके धार्मिक क्रियाकलापों का ये केंद्र हुआ करता था, अनुष्ठानिक क्षेत्रफल हुआ करता था, अनुष्ठानिक क्षेत्र हुआ करता था, या कोई भी पुरोहित वगैरह इनका जो मतलब समृद्ध या धनी लोग जो होते थे, बड़े कैडर के लोग, वो तो सब जगह मिलते हैं। संस्कृति सभ्यता आप कोई भी पढ़ लो, उनमें सब दिखाई देंगे आपको। तो उनका जो कॉन्सेप्ट है ना, वो यहाँ पे उनका निवास स्थान हुआ करता था, ये बस समझना है। अपवाद की अगर बात करूं तो धोलावीरा, जहां नगर को 3 भागों में, दुर्ग नगर, मध्य नगर व निचला नगर में व्यवस्थित किया गया। तो सामान्यतः एक पॉइंट, एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया इस स्लाइड से बनता है हमारे पास कि सामान्यतः सिंधु घाटी सभ्यता के नगर 2 तरीके के नगरीकरण में आपको डिवाइड होते हुए दिखाई देते हैं। बट ये जो कॉन्सेप्ट था कि धौलावीरा वाला, धौलावीरा अपना एक ऐसा नगर था जो 2 की जगह 3 जगह बटा हुआ था। नंबर 1 दुर्ग नगर, नंबर 2 मध्यम नगर और नंबर 3 निचला नगर। तो इसमें गढ़ी क्षेत्र और निचले नगर के बीच में एक मध्यम नगर भी धौलावीरा में दिखाई दे जाता है। आइएगा बात करते हैं आगे की चीजों पर। मैंने अभी बताया था आपको गढ़ी या दुर्ग के बारे में। तो ये जो गढ़ी या दुर्ग था, यहाँ पर सामान्यतः एक किलेबंद हुआ करता था, दुर्गीकृत हुआ करता था। किलेबंद का मतलब दुर्ग बना रहता था। आयताकार व समांतर खंडों में इसको विभाजित किया जाता। अपवाद प्राप्त होता है हमें आमरी से, कोटदीजी से, चनूदड़ो से, जहां पर ये जो ऊपरी बस्तियां बनाई गई हैं उनको दुर्गीकृत नहीं किया गया है। तो मोस्ट तरीके से आप लोग इसको याद रख सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन खूब बारी आपसे पूछा जाता है। अपवाद के तौर पे अपन देखते हैं, आमरी, कोटदीजी और चनूदड़ो ऐसी बस्तियां थी जिन पर उनका गढ़ी क्षेत्र जो है, उस गढ़ी क्षेत्र को या दुर्ग क्षेत्र को दुर्गीकृत नहीं किया गया है। ठीक है, निचले शहर की बात करें तो सामान्यतः किलेबंद या दुर्गीकृत नहीं होता था। निचला क्षेत्र कभी भी सामान्यतः दुर्गीकृत नहीं था, लेकिन कुछ जगहों से अपवाद स्वरूप हमें ये दुर्गीकृत मिलता है, जैसे कालीबंगा, सुरकोटड़ा और लोथल। यहाँ पे क्या था, जो आम जनजीवन के लोग रहते थे इनको भी किलेबंद बस्ती में रखा गया है। तो सामान्यतः ऊपर के क्षेत्र को दुर्गीकृत किया जाता था, लेकिन अपवाद मिलता है आपको आमरी, कोटदीजी, चनूदड़ो से, जहां पर गढ़ी क्षेत्र को दुर्गीकृत नहीं किया गया है। वहीं डियर स्टूडेंट, जो निचला शहर हुआ करता था वो सामान्यतः दुर्गीकृत होता नहीं था, ऐसे ही रहता था खुला। लेकिन कालीबंगा, सुरकोटड़ा और लोथल से जो है वो अपवाद स्वरूप आप देखते हो तो निचला शहर भी दुर्गीकृत हुआ करता था। अब आपसे पूछा जाए कि लोथल, कालीबंगा, सुरकोटड़ा, इनमें ऊपर का गढ़ी क्षेत्र भी दुर्गीकृत है और नीचे का क्षेत्र भी दुर्गीकृत है। याद रखना, इनमें ऐसा नहीं है कि केवल और केवल ऊपर का ही दुर्गीकृत है, इनमें दोनों क्षेत्र दुर्गीकृत हो गए, क्योंकि अपवाद ऊपर वाला तो सब में दुर्गीकृत है, सिर्फ आमरी, कोटदीजी और चनूदड़ो में नहीं है, कालीबंगा में है, लोथल में है, सुरकोटड़ा में है। सुरकोटड़ा में क्या है, नीचे वाला भी है। तो ये आपको याद रखना है पूरा कॉन्सेप्ट। वहीं प्रवेश के लिए नगर में प्रवेश के लिए एक सामान्य प्रवेश द्वार होता था, ठीक है, और प्रवेश द्वारों की संख्या 1 से अधिक भी हो सकती थी। यानी कि नगर के बाहर जाने के बाद उस प्रवेश द्वार को बंद भी किया जा सकता था और उस प्रवेश द्वार को खोला जा सकता था। तो आने जाने के लिए द्वार बनाए गए थे नगरों में। ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है। एक रक्षा दीवार व बुर्ज भी हमें यहाँ दिखाई देता है। पश्चिमोत्तर भाग में ही अधिकतर सुरक्षा दीवार बनाई जाती थी। मैं अभी बता रहा था आपको कि जिस तरीके से ये पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों ने समझा था, तो ये यहाँ पे जो गढ़ी या दुर्ग क्षेत्र था यहाँ पर सुरक्षा दीवार बनाई जाती थी। ठीक है, यहाँ पर जो है सुरक्षा दीवार आपको दिखाई देती है, सुरक्षा दीवार या बुर्ज बनाया जाता था, जिसका अनेकों बार जीर्णोद्धार करने का प्रमाण प्राप्त हुआ। यानी कि इस दीवार को सुधारा गया है।
इस दीवार के लिए बार बार इसका पुनरुद्धार हुआ है, बार बार इसका जीर्णोद्धार हुआ है, बार बार ये टूटी है, तो क्या कारण था कि टूटी? इसी बात को आधार मान करके मार्टिमर व्हीलर ने ये कहा था सिंधु सभ्यता के पतन के लिए, क्या कहा था कि पश्चिमोत्तर भारत के भाग से आर्यों का आक्रमण हुआ था और आर्यों के आक्रमण के कारण ये सभ्यता पतनशील हो गई। ठीक है, इस फैक्ट के आधार पर ही ये बात जो है मार्टिमर व्हीलर साहब ने कही है कि भाई पश्चिमोत्तर भारत से आर्यों का आक्रमण होता है और उस आक्रमण के कारण ही ये सिंधु सभ्यता क्या हो जाती है, ये पतनशील हो जाती है। तो गाइज आई थिंक आप लोगों को ये सब कुछ ठीक लग रहा होगा, पसंद आ रहा होगा। मैं प्रयास कर रहा हूँ आपको इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझाने का, तो आई थिंक आप लोग ठीक से इसको समझ रहे होंगे। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंटेंट की तरफ। इस दीवार पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर बुर्ज बनाए जाते थे। बुर्ज क्या, छतरी टाइप बना देते सैनिकों के खड़े होने के लिए, रुकने के लिए, जो सामान्यतः रक्षा दीवार से ऊंचे होते थे। ठीक है, इसका भी अपवाद प्राप्त हुआ है कि लोथल जहां बुर्ज नहीं पाया गया है, सामान्यतः यह बुर्ज मिट्टी के बने होते थे, परंतु सुरकोटड़ा से पत्थर की सुरक्षा दीवार एवं मोहनजोदड़ो से पक्की ईंटों के बुर्ज भी प्राप्त हुए हैं। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिनका संकलन मैंने आप लोगों के लिए यहाँ किया है, आप लोग समझ पा रहे होंगे। एक्चुअली क्या हुआ था, बुर्ज क्या होता है ना, जैसे आप देखो आज भी आपको किले वगैरह में दिखाई देते हैं ऊपर, जैसे मान लो किले में कोई पहरेदार रह रहा है, सैनिक रह रहे हैं, तो यहाँ पे चौकीदारी करने के लिए बुर्ज बनाए जाते थे जिनमें लोग मतलब रुकते थे, ड्यूटी करते थे अपनी। तो सामान्यतः रक्षा दीवार से क्या होते थे, ऊंचे होते थे। लेकिन अपवाद स्वरूप अगर मैं बात करूं, लोथल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां से बुर्ज नहीं पाया गया, लोथल से बुर्ज नहीं पाया गया। और सामान्य तौर पर ये बुर्ज बने किसके होते थे, मिट्टी के। लेकिन फिर अपवाद की बात करूं तो सुरकोटड़ा से पत्थर की सुरक्षा दीवार और मोहनजोदाड़ो से पक्की ईंटों के बुर्ज प्राप्त होते हैं, पक्की ईंटों के बुर्ज प्राप्त होते हैं। ये पूरे फैक्ट आप लोगों को याद रख लेना है। अब बात जब ईंटों की चली है तो बात कर लेते हैं ईंटें कितने प्रकार की सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त होती हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ईंटों का प्रकार। तो सिंधु घाटी सभ्यता से भैया कितने प्रकार की ईंटें प्राप्त होती हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई की बात करें तो 4:2:1 इनकी ईंटों की सामान्यतः माप हुआ करती थी। सभी ईंटों की माप ये नहीं थी, लेकिन सामान्यतः अधिकतर ईंटों की माप यही हुआ करती थी। हमें कितने प्रकार की ईंटें मिलती हैं, तो नंबर 1 पे मिलती हैं कच्ची ईंटें। ये जो कच्ची ईंटें थी वो रक्षा दीवारों में, चबूतरों को बनाने में और सड़क बनाने में प्रयोग की जाती थी। ठीक है, वही बात करें पक्की ईंटों की तो विशाल भवनों का निर्माण करने में और पक्की ईंटें प्रयोग में, जैसे अन्नागार है, स्नानागार है, यहाँ सब पक्की ईंटों का, तो दुर्ग क्षेत्र बनाए गए। ठीक है, मोहनजोदाड़ो में वहां भी पक्की ईंटों का जो है प्रयोग हुआ है। तीसरे प्रकार की ईंटें मिलती थी फन्नीदार या जालीदार ईंटें, ये जल निकासी व्यवस्था में लगाई जाती थी, नालियों में जो पानी निकालने की जगह होती थी वहां पे इनको लगाया जाता था। चौथा मिलता है भाई साहब यहाँ पे अलंकृत ईंट। अलंकृत का मतलब कढ़ाई छपाई हो रखी है जिसपे, एकमात्र कालीबंगा के फर्श में ये जो है वो ईंटें प्राप्त होती हैं। अलंकृत ईंटों का साक्ष्य कालीबंगा के फर्श में से प्राप्त होता है। और एक आया है इसमें एल प्रकार की ईंटों का, 5वें नंबर पे एल आकार की ईंट होती थी, मकान के किनारे कोनों पर एल आकार की ईंट रखी जाती थी। याद रखना, सोचो इन लोगों की टेक्नोलॉजी कितनी जबरदस्त थी, हम आज भी ऐसा यूज नहीं करते। तो मकान के किनारे बाहरी हिस्से व मल निकास व्यवस्था में, लेटरिन जो है बनाई जाती थी उनमें भी ये जो है एल आकार की ईंट का प्रयोग किया जाता था। सबसे बड़ी ईंट मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है, सबसे बड़ी ईंट मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है। ठीक है, जिसका साइज जो है वो 8:4:1 है। जो सबसे बड़ी ईंट मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हो रही है उस ईंट का साइज 8:4:1 है, ये याद रखना है।
जब ये ईंटें बन गई तो इन ईंटों का प्रयोग करने के लिए किन-किन चीजों का ये लोग यूज करते थे, तो बात कर लेते हैं ईंटों की चिनाई को प्रयोग में लाने की। ये लोग गीली मिट्टी सर्वाधिक जगह प्रयोग किए इन्होंने, जिसको हम गारा बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम गारा बोलते हैं, क्ले क्ले भी बोलते हैं इसको, ठीक है। दूसरा, ये जिप्सम से भी इन ईंटों को चिपकाते थे जो नालियों में प्रयोग किए, नालियों में ईंटों को चिपकाने के लिए, ईंटों को चिपकाने की बजाय अपन बात करें ईंटों को जोड़ने के लिए, तो यहाँ पे इन्होंने जिप्सम का प्रयोग किया है। बिटुमिन, मोहन जोदाड़ो के विशाल स्नानागार में बिटुमिन का प्रयोग किया गया है, एकाध जगह, ठीक है, चूना मिट्टी का प्रयोग भी दिखाई देता है। सीमेंट बालू आदि कभी भी प्राप्त नहीं हुआ, इन चीजों का अभाव है। जिस तरीके से आज वर्तमान में हम ईंटों को सीमेंट बालू आदि से जोड़ते हैं ना, तो सीमेंट बालू आज तक प्राप्त नहीं हुआ कि भाई ईंटों को जोड़ने के लिए कहीं सीमेंट या बालू वगैरह की कोई इनको आवश्यकता पड़ती थी। तो ये ईंटों का एक कॉन्सेप्ट था। भवन निर्माण की मैंने आपसे बात की अभी, जाल या ग्रिड पद्धति पर आधारित हुआ करता था। और इनके दरवाजे, दरवाजा जो है मुख्य सड़क पर ना खुल करके सहायक सड़कों पर पीछे की तरफ खुलता था, ठीक है। और कमरे का दरवाजा एक कोने पर होता था, हमारे यहाँ नहीं होता जैसे आज हमने ये रूम बनाया है तो हम बीच में गेट लगा दें, ऐसा नहीं होगा। अगर इनके यहाँ ये रूम होता था तो इनके यहाँ पे एक कोने पर ही गेट होगा कमरे में, ये साक्ष्य इनके यहाँ विशेषता थी। हमारी तरह नहीं है कि आज कहीं भी हम लोग जो है गेट बना सकते हैं, हम लोग तो बीच में भी गेट ले लेते हैं, एक कोने पे भी गेट ले लेते हैं, तो फिक्स था, ठीक है। खिड़की, एकमात्र खिड़की का साक्ष्य मोहन जोदाड़ो से प्राप्त होता है। तो मोहन जोदाड़ो में जो मकान मिले हैं वहां से मकानों में हमें खिड़कियों के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं, ठीक है, ये भी याद रखना है। सीढ़ियों की बात करूं तो सामान्यतः प्रत्येक बड़े घर में मौजूद थी, हड़प्पा की अपेक्षा मोहन जोदाड़ो में ज्यादा सीढ़ियां मौजूद थी। सीढ़ियां मतलब छत पर चढ़ने के लिए, छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां आ गई तो छत की भी बात कर लेते हैं। मिट्टी एवं सरकंडे से निर्मित किसी धातु का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होता, तो घास फूस से मिट्टी आदि का लेप करके छत बनाई जाती थी, कोई भी धातु छत में प्रयोग होती थी, ऐसा कोई साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं होता है। स्तंभों की बात करें तो ईंट से बने स्तंभों का साक्ष्य मिलता है, लकड़ी के स्तंभों का कोई साक्ष्य नहीं मिला, ठीक है। वर्गाकार या आयताकार स्तंभ ना कि मेसोपोटामिया की तरह वृत्ताकार स्तंभ, जो मेसोपोटामिया में जो स्तंभ मिलते हैं वो वृत्ताकार मिलते हैं, जबकि हमारे यहाँ वृत्ताकार स्तंभ ना होकर के हमारे यहाँ आयताकार या वर्गाकार स्तंभ प्राप्त हुए हैं, और ईंटों के स्तंभों का साक्ष्य हमारे यहाँ प्राप्त हुआ है, ठीक है। मेहराब, मेहराब यहाँ पर जो है वो गोलाकार नहीं है, परंतु लोथल में एक थोड़ा सा ऐसा प्रयास किया गया था, इस टाइम पर मेहराब को गोल करने का प्रयास किया गया था। सड़कों और गलियों की बात करें बच्चों, तो सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। सामान्यतः तीन प्रकार की सड़क प्राप्त होती हैं, सामान्यतः तीन प्रकार की सड़क प्राप्त होती हैं। मुख्य सड़क जहां 10.5 मीटर चौड़ी हुआ करती थी, वहीं सहायक सड़क 3.5 से 4 मीटर चौड़ी हुआ करती थी, और एक छोटी सड़क होती थी जो 1.2 से 1.5 मीटर चौड़ी हुआ करती थी। तो आई थिंक आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही होगी जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता के पूरे फैक्ट मैंने आपके सामने रख दिए। सामान्यतः सड़कें कच्ची मिट्टी की थी, परंतु कहीं कहीं पर जो है पक्की मिट्टी की सड़कों को भी बनाया जाता था। वहीं बात करें प्यारे बच्चों जल निकासी व्यवस्था की, तो घर गली सहायक सड़कों के राजपथ के समानांतर मैन होल की व्यवस्था जो नदी में जाकर के मिलती थी ये बनाई गई थी। नाली निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था, कहीं कहीं नालियां ढकी हुई हैं और कोनों पर जुड़ाई में फन्नीदार ईंटों का प्रयोग किया गया है। फन्नीदार ईंटों का मतलब जालीदार ईंटें। संभवतया ऐसे साक्ष्य माने गए हैं कि कालीबंगा से लकड़ी एवं कास्ट की नालियों का प्रयोग होता था। वहीं बात करें बच्चों कुओं की, तो सामान्यतः वृत्ताकार एवं अंडाकार कुआं जो सभी घरों में होता था, घड़ी के अंदर सभी मकानों में कुआं मौजूद होता था। पक्की ईंटों के कुओं में जालीदार ईंटों का प्रयोग एवं फर्श की जुड़ाई यहाँ पर बिटुमुन से की जाती थी। पानी को खींचने के लिए कुओं पर गिर्री का प्रयोग भी होता था। अब आप सोचो कि इन लोगों की टेक्नोलॉजी उस टाइम पर भी डेवलप हो चुकी थी। शौचालय कैसे हुआ करते थे इनके?
गढ़ी के अंदर वाले प्रत्येक मकान में शौचालयों की व्यवस्था थी। पक्की व एल आकार की ईंटों का प्रयोग उनको बनाने में किया जाता था। व्हीलर ने इनकी तुलना आधुनिक पश्चिमी शौचालयों से की है। जो वेस्टर्न टॉयलेट आते हैं ना आजकल, वैसे इंग्लिश टॉयलेट आते हैं, ऐसे शौचालय हुआ करते थे, टॉयलेट हुआ करते थे। सफाई व्यवस्था के लिए बहुत अच्छा सिस्टम था। कूड़ा एकत्रित करने के लिए मिट्टी के पात्र रखे जाते थे, तो कहीं कहीं गड्ढे भी खोद दिए जाते थे। डस्टबिन का सिस्टम यहाँ से आया। प्रकाश की व्यवस्था, जो मोहनजोदाड़ो में गलियां प्राप्त हुई हैं, वहां से सड़कों के किनारे स्तंभ बने हुए मिले हैं। अनुमानित आधार पर स्तंभ द्वीप रहे होंगे। स्तंभ का मतलब दीवार में एक खाना सा बना दिया जाता है इस तरीके से, ठीक है, ये दीवार में खाना सा बना दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं जो है इसमें एक दीपक जो है जलता रहता होगा रात में, ऐसा है तो इनको स्तंभ द्वीप की संज्ञा दी गई है। ये दीवारों में यहाँ पर आपको प्राप्त होते हैं। वही बात करें प्यारे बच्चों इनके प्रशासन को लेकर के, तो इनका प्रशासन जो है वो किस तरीके का था, इनका प्रशासन किस तरीके का नहीं था, इसके बारे में अब बात करेंगे आपसे अगली क्लास में। तो एक बार पुणे आप सबके लिए बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। वंस अगेन आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, और ईश्वर से मैं प्रे करता हूं कि आप लोग अच्छे से अपना ये त्योहार मनाएं, अच्छे से अपनी मजबूती के साथ तैयारी करें, ताकि निश्चित ही 2021 वाला JRF हम लोग क्रैक करें। तो विश यू ऑल द बेस्ट गाइज, बहुत बहुत थैंक यू आप सबके लिए। चलिएगा, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लासेज में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।